गाइस दिस गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल सिलेंडर बिजावा का ये हमारा नाइन्थ सेशन है पहले के सेशन के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि वेब पेज पे कितने रेडियो बटन हैं इसे हम काउंट कैसे करेंगे सिलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन वेब पेज पे रेडियो बटन को काउंट करने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम पहले वो डिस्कस करते हैं फिर हम उसके लिए सिलेंडर वेब ड्राइवर कमांड यूज करके हम ऑटोमेशन कोड लिखेंगे सबसे पहले हम वेब पेज पे रेडियो बटन्स को लोकेट करने के लिए एक कॉमन लोकेटर आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए हम रेडियो बटन को राइट right क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे उसकी एस प्रॉपर्टीज चेक करेंगे और कॉमन लोकेटर फाइंड करेंगे फिर नेक्स्ट हम कॉमन लोकेटर यूज करके वेब पेज पे जितने भी रेडियो बटन है उनको फाइंड करना है और सेलेनियम वेब वेब ड्राइवर में एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हैं एक मेथड है फाइंड एलिमेंट मेथड और दूसरा है फाइंड एलिमेंट्स मेथड फाइंड एलिमेंट मेथड हमें सिंगल वेब एलिमेंट देता है और फाइंड एलिमेंट्स मेथड हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट देता है और हमें भी अभी रेडियो बटन की लिस्ट चाहिए इसलिए हम फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करके रेडियो बटन्स की लिस्ट कैप्चर करेंगे और लास्ट में हम साइज मेथड यूज करके लिस्ट में कितने रेडियो बटन्स हैं उनका काउंट निकालेंगे और उसको प्रिंट करेंगे तो इन सारे स्टेप्स के लिए हम ऑटोमेशन कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए एक यू ओपन करते हैं हमने एक लॉग पेज का यू ओपन किया है इस वेब पेज पे दो रेडियो बटन्स है ओटीपी ऑन मोबाइल एज फिल्ड इन एप्लीकेशन और दूसरा है ओटीपी ऑन ई मेल एज फिल्ड इन एप्लीकेशन तो हमें अब इसकी एस प्रॉपर्टी चेक करनी है इसके लिए हम इसको राइट right क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी एस टी एम एल प्रॉपर्टी चेक करते हैं अब इसमें हमारे पास इनपुट टैग है आईडी गिवन है टाइप गिवन है और नेम गिवन है आई डी की कुछ वैल्यू है टाइप की भी कुछ वैल्यू है नेम की भी कुछ वैल्यू है और हम दूसरा रेडियो बटन भी चेक करते हैं ये दूसरा रेडियो बटन भी है भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं दूसरा रेडियो बटन में भी आईडी गिवन है टाइप गिवन है और नेम गिवन है उसमें भी टाइप की वैल्यू थी वो रेडियो थी और पहले के रेडियो बटन में भी टाइप की वैल्यू रेडियो थी और दूसरे रेडियो बटन में भी टाइप की वैल्यू रेडियो है तो ये वैल्यू दोनों में कॉमन है तो हम टाइप एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे और एक्सपात एक्सप्रेशन इसके लिए राइट करेंगे तो सिलेक्टर हब यूज करके हम एक्सपात एक्सप्रेशन राइट करते हैं Relative है तो हम double slash लिखेंगे और tag name हम हम कर कर रहे रहे हैं हैं क्योंकि का का जो है है वो नाम इज इक्वल टू के बाद टाइप की वैल्यू टाइप की वैल्यू है रेडियो और ब्रैकेट क्लोज तो ये एक वैलिड एक्सपात है दो एलिमेंट मैचिंग आ गया देखिए दोनों एलिमेंट्स हाईलाइट हो गए तो हम इस एक्ट पास को एक्सपाथ को यूज करके हम दोनों ही रेडियो बटन को लोकेट कर सकते हैं अब हम इसके लिए ऑटोमेशन कोड लिखते हैं तो हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं ये एक्लिप्स आईडी ओपन हो गया एक्लिप्स आईडी में मैंने ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और सिलेनियम वेब ड्राइवर को कॉन्फिगर किया हुआ है फॉर्म डॉट एक्सएमएल में सिलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी हमने एड की हुई है Eclipse ID में आई वेब ड्राइवर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जावा सीरीज़ सेशन टू में आप उसे देख सकते हैं तो अभी के प्रैक्टिकल के लिए हम डेमो टेस्ट और टेस्ट वन पैकेज में एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं राइट क्लिक न्यू क्लास क्लास का कुछ एक नाम दे देते हैं काउंट रेडियो बटन दे दिया हमने और हमें चूंकि मेन मेथड चाहिए तो हमने मेन मेथड पे चेक चेक कर दिया फिनिश सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च करते हैं कोई भी ब्राउजर लॉन्च कर सकते हैं हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसके लिए दो स्टेटमेंट्स हैं पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी ये दो आर्गुमेंट्स लेता है पहला की की में हम लिखेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर सारे स्मॉल लेटर्स में और सेकंड आर्गुमेंट है वैल्यू इसमें हम क्रोम ब्राउजर की EXE का पाथ देंगे क्रोम ब्राउजर हमने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव किया हुआ है हम यहीं से इसका कॉपी कर लेते हैं राइट right क्लिक किया हम प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और ये इसका पाथ हमने यहां से कॉपी कर लिया और पाथ हमने यहाँ पेस्ट कर दिया कॉलन से स्टेटमेंट एंड कर दिया नेक्स्ट हम क्रोम ब्राउजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको इंस्टेंशिएट करेंगे उसके लिए स्टेटमेंट है वेब ड्राइवर driver इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम ऐड करते जाएंगे इंपोर्ट कर लिया हमने पैकेज वेब ड्राइवर का भी पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया नेक्स्ट हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज करते हैं मैक्सिमाइज ब्राउजर उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज ब्राउजर मैक्सिमाइज कर लिया हमने नेक्स्ट हम यू आर एल ओपन करेंगे तो पहले यू आर एल कॉपी कर लेते हैं यू आर एल हमने कॉपी कर लिया इसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट कंप्लीट यू आर एल देंगे हमने यहां यू आर एल पेस्ट कर दिया अब नेक्स्ट हमें वेब पेज पे इस यू पे जितने भी रेडियो बटन्स हैं हमें उसकी लिस्ट चाहिए तो उसके लिए हम फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करेंगे क्योंकि फाइंड एलिमेंट्स मेथड हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स देता है तो उसके लिए स्टेटमेंट हम लिखेंगे लिस्ट लिस्ट हमें चाहिए वेब एलिमेंट्स की और ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड और हम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे बाय डॉट एक्सपाथ एक्सपाथ का एक्सप्रेशन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हमने अभी अभी राइट किया था ये हमारा वैलिड एक्सपाथ है इस एक्सपाथ को यूज करके हम इस वेब पेज पे जितने भी रेडियो बटन हैं हम उनको लोकेट कर सकते हैं एक्सपाथ हमने कॉपी कर लिया इसे हम अपने कोड में पेस्ट कर लेते हैं डबल कोट्स में हम एक्सपाथ का एक्सप्रेशन डालेंगे यहाँ सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड कर दिया हमने इनके पैकेजेस भी हम साथ साथ ऐड कर लेते हैं वेब एलिमेंट का पैकेज हमने ऐड कर लिया लिस्ट का भी पैकेज ऐड कर लेते हैं लिस्ट जावा डॉट यूटिल्स पैकेज में है तो हम जावा डॉट यूटिल्स पैकेज को हमने इंपोर्ट कर लिया नेक्स्ट हमें रेडियो बटन लिस्ट में कितने रेडियो बटन से हमें उनका काउंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे रेडियो बटन लिस्ट का हम साइज कैप्चर करेंगे तो हमें रेडियो बटन कितने हैं रेडियो बटन लिस्ट में उसका काउंट मिल जाएगा तो साइज कैप्चर करने के लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम साइज को प्रिंट कर लेते हैं तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टोटल नंबर ऑफ रेडियो बटन्स ऑन वेब पेज और हम यहाँ पे रेडियो बटन लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनका काउंट प्रिंट करेंगे उनका साइज प्रिंट करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ रेडियो बटन्स लिस्ट में जितने हैं वो मिल जाएंगे लिस्ट डॉट साइज साइज मेथड यूज करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ रेडियो बटन्स निकालने के लिए कि लिस्ट में कितने रेडियो बटन्स हैं और लास्ट में हम ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं ड्राइवर डॉट क्लोज मेथड यूज करके यहां हमने फाइंड रेडियो बटन ऑन रेडियो बटन वेब एलिमेंट्स ऑन वेब पेज और यहां हमने काउंट प्रिंट किया प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रेडियो बटन्स इन रेडियो बटन लिस्ट अब ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया फिर हमने ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया फिर हमने यूआरएल ओपन किया और हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज़ करके जितने भी रेडियो बटन्स थे हमने उनको एक लिस्ट में लिस्ट में कैप्चर किया और उसके बाद उस लिस्ट का साइज प्रिंट करके हमने जितने भी रेडियो बटन्स हैं वेब पेज पे वो प्रिंट कर लिया और लास्ट में हमने करंट ब्राउज़र को क्लोज कर दिया तो हमारा कोड रेडी हो गया अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन ये देखिए वेब पेज पे जितने भी रेडियो बटन्स थे हमें उसका काउंट मिल गया टोटल रेडियो बटन्स थे वेब पेज पे टू हम एनवली भी चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ही रेडियो बटन्स हैं तो ये टोटल दो रेडियो बटन्स थे और हमने एक्सपात जब लिखा था तो हमें दो एलिमेंट्स मैच हुआ था तो इस तरीके से हम लॉग इन रजिस्ट्रेशन पेज पे कितने रेडियो बटन्स है हमने वो काउंट किया हम एक और यू आर एल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कैलकुलेटर्स डॉट नेट पर भी कितने रेडियो बटन्स हैं इसको भी काउंट करते हैं इसके लिए हमारा कोड रेडी है हमें कुछ नहीं करना है बस हमें सिर्फ यू आर एल का एड्रेस चेंज करना है तो हम इस यू आर एल को कॉमेंट कर देते हैं ड्राइवर डॉट गेट और यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट नेट का यू पेस्ट कर देते हैं और हम कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो कैलकुलेटर डॉट नेट वेब पेज पे भी दो रेडियो बटन्स हैं तो चूंकि दो ही हैं तो हम इन्हें मैनुअली भी चेक कर सकते हैं वन एंड टू ये दो रेडियो बटन्स हमें यहाँ दिख रहे हैं और कोई रेडियो बटन है नहीं इस वेब पेज पे तो हमें दो रेडियो बटन काउंट होके मिल गया तो इस तरह से हम वेब पेज पे कितने रेडियो बटन्स हैं उन्हें काउंट करते हैं वेब ड्राइवर कमांड को यूज करके आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन दबाना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग